वेलकम टू ऑडिशंस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिवाले और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑडिशन। ऑडिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 5 कमेंट ले रहे हैं जिसके माध्यम से आपको सवाल का जवाब दिया जा रहा है और हो सकता है वही सवाल आपके मन में घूम रहा हो, आपके मन में विचलित कर रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सवाल आपने किसी अदर चैनल पे पूछा हो और उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया, या फिर उस सवाल को मिलने के बाद भी आप डाउट में हैं। तो यहाँ आप इस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। और अगर आपका भी वही सवाल है और आप फिर से रिपीट कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बार बार ऐसे नहीं बनाई जा सकती है। पहला सवाल है हमारा मुस्कान प्रभा जी का। ये कहती है कि हमने आपके सारे लेसन देखे हैं और कृपया प्लीज़ गर्ल्स के लिए भी एक्टिंग टिप्स दीजिए। मुस्कान जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्टिंग किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है, यह सभी के लिए लेसन होता है। आप फीमेल हैं या मेल हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप इस लेसन की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप एक्टिंग कर पाएंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स के लिए अलग से टिप्स होंगे या फिर मेल्स के लिए अलग से होंगे, आप इस लेसन को कर सकते हैं और आगे अपने कंटिन्यू प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास अली बख्श खान जी का, जो कहते हैं अपनी कमेंट में, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका हूं। थैंक यू, आप मेरे फैन हो चुके हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उसके बाद कमेंट कर रहे हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा और हमारी वीडियोज को सपोर्ट करिए शेयर करके। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास राजपारा मुकेश जी का और इनकी कमेंट में लिखा है कि सर मैं गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मैं स्टोरी लिखता हूं, लेकिन गरीबी के कारण मेरी स्टोरी सिर्फ किताबों में ही धूल खा रही है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपने स्टोरी लिखी है, आपके अंदर अगर क्रिएटिव माइंड की जो एक्टिविटी है, जो स्टोरी लिखने के लिए आइडियाज़ हैं, अगर आप उसका भली बात ही प्रयोग कर सकते हैं, आप अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है लेखक के लिए। लेखक की आज के इंडस्ट्री में बहुत कमी है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्रेज सब कुछ डुप्लीकेट हो रहा है, क्योंकि नए आइडियाज़ नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छा हो सकता है। इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले अपने आप को राइटर एसोसिएशन से रजिस्टर्ड करवाना होगा, जिसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, और उसके बाद आप जो स्टोरी लिखते हैं उस स्टोरी का टाइटल, यानी कि शुरू का जो पेज होता है स्टोरी का, वो आपका आई थिंक 10 रुपया प्रति पेज के हिसाब से रजिस्टर्ड होता है। उसके बाकी के जो पेज होते हैं स्टोरी के, वो 2 रुपये या 3 रुपये के प्रति हिसाब से रजिस्टर्ड कर देते हैं, स्टैम्प लगा के दे देते हैं। उससे क्या होता है कि आप अपनी स्टोरी को कहीं भी भेजेंगे, किसी को भी भेजेंगे, तो कोई भी आपकी स्टोरी चुरा नहीं पाएगा और कॉपीराइट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको भेजना पड़ेगा बहुत लोगों के लिए। जब आप 100 लोगों को भेजेंगे तो हो सकता है उसमें से 2 लोगों को आपकी स्टोरी पसंद आ जाए, उन 2 लोगों में से आपको चुनना होगा कि इसको मुझे देनी है या फिर इसको देनी है, जिससे ज़्यादा बेनिफिट है उसको देना है। भेजनी कैसे होती है, राइटर एसोसिएशन इतनी हेल्प भी कर देता है कि कहाँ कहाँ आपको भेजना होता है, लेकिन सबसे पहले मेन चीज़ है प्रोडक्शन हाउस की जानकारी निकालना, और प्रोडक्शन हाउस में ही आपको स्टोरी भेजनी होती है। अगर आपको प्रोडक्शन हाउस की जानकारी नहीं पता है तो हमने एक वीडियो बनाई है, इस पर नीचे देख लीजिएगा प्लीज। अगला सवाल है हमारे पास स्वाति श्रीवास्तव जी का। ये पूछती हैं कि मैं एक्टिंग लाइन में आना चाहती हूँ और बहुत मेहनत कर रही हूँ एक्टिंग लाइन में आने के लिए, और ये मेरा सपना है एक्टिंग लाइन में आने के लिए, तो प्लीज़ हेल्प मी। स्वाति जी, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर एक्टिंग लाइन में आपका रियली सच में एक सपना है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, चाहे आपका पैसा या आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी हाइट, आपका फैमिली प्रॉब्लम, या फिर आपका गांव विलेज, कुछ भी, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आपका सबसे पहले इस लाइन में इंटरेस्ट है, फुल इंटरेस्ट के साथ अगर आप आते हैं तो जो चांसेस होते हैं वर्क मिलने के बहुत जल्दी मिल जाता है। कामयाबी तो बहुत लास्ट तक मिलती है, लेकिन वर्क बहुत जल्दी मिल जाता है, जिसके कारण से आप लाइन में एंटर कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए अगर आप एक्टिंग सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहले कंप्लीट कीजिए, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो किसी अच्छे संस्थान से, किसी थिएटर से आप पहले एक्टिंग को सीखिए। हमारे पास अगला सवाल है शुभांकर चौहान जी का, और ये पूछते हैं अगर CID में काम करें तो कितना मिलता है बढ़ेगा। शुभांकर जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी TV सीरियल या फिल्म में काम करते हैं तो वहाँ कैटेगरी वाइज काम होता है और उसी के हिसाब से आपका पेमेंट होता है।
कैटेगरी कैसे होती है, जैसे सबसे पहले जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, उसके बाद सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, उसके बाद जो एक्टर होते हैं, फिर जो मेल मेन जो लीड वाला हीरो होता है वो होता है नायक। तो ऐसे उनकी पेमेंट में फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम करते हैं तो जूनियर आर्टिस्ट के हिसाब से भी आपको 500 से लेकर 1500 रुपये पर डे मिल जाता है, और अगर आप सीनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करते हैं तो 2000 से लेकर 2500-3000 तक का पर डे मिल जाता है। और अगर आप अच्छे लेवल के एक्टर हैं और बहुत अच्छे काम कर सकते हैं और आपको लीड में आने की इच्छा है और लीड आप कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको लगभग 10,000 से लेके 50,000 तक का पर डे मिल जाता है। तो आई थिंक ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी यही सवाल थे और आपके मन में भी ऐसे कोई और विचलित सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगले वीडियो में हम आपके सवाल को ज़रूर लेंगे और कोशिश करेंगे उन सवालों को लेने की जो अभी तक हम उस सवाल पर वीडियोज़ नहीं बना पाए हैं या फिर हम उनका आपको पिछली वीडियोज़ में क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो देर किस बात की है, कोई भी मन में सवाल है तो तुरंत अभी कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं तो ऑडिशन परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोज को अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं नई वीडियो में, फिर एक बार एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।